नौकरी वाले बाबा, आई एम धनंजय। ESIC MTS मेंस का एग्जाम लेवल आपका कैसा रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स? आप सभी को पता है कि आपके प्रीलिम्स में पेपर बहुत ही इजी आया था। इवन स्विफ्ट 2 में तो GA इतनी इजी थी कि आपको बहुत ही आसानी से, मतलब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आती ही आती होगी, और मे बी 24-25 क्वेश्चन आप सभी ने अटेम्प्ट भी किए होंगे। लेकिन अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में आप अगर आप ये सोच रहे कि नहीं यार पेपर इजी आएगा प्रीलिम्स की तरीके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि UDC में भी सेम मेंस का जो पेपर था वो आपका मॉडरेट लेवल का आपका आया हुआ था। अगर हम बात करें आपका एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चंस ईच आपके रहेंगे, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 200 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो रीजनिंग और मैथ होगी उसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेटिव आएंगे। और अगर हम बात करें आपका GA की, तो GA में आपको कोशिश करनी है कि लूसेंट में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। करंट अफेयर जो आपकी रहती है उसको, उनमें से इस बार स्टैटिक GK का पोर्शन MTS में ज्यादा देखने को मिला था और करंट अफेयर का उतना ज्यादा नहीं था, तो एक बार स्टैटिक GK भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इंग्लिश में आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स और रीडिंग इस टाइम करिए, ठीक है। बाकी ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में आप सभी को हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। बाकी आपको किस सब्जेक्ट पे आपको कितना टाइम देना है, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे, उस मॉक टेस्ट में आपको ये पता चल रहा होगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, और जो सब्जेक्ट आपका इस टाइम पे वीक है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि मेंस का जो लेवल रहने वाला है वो आपका कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ में कैलकुलेटिव रहेगा, और इंग्लिश और GA जिस हिसाब से आपकी AGI थी उस हिसाब से यहाँ पे आपकी आने वाली नहीं है। लास्ट अभी प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश में जो आपका RC आया था वो कहीं ना कहीं इजी था, क्लोज टेस्ट आया था वो भी आपका इजी रखा गया था, स्टोरी बेस्ड था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपका स्टोरी बेस्ड नहीं रहने वाला है। इस बार आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यही एक लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपके हाथ में जॉब होगी, नहीं तो आप यहाँ से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। ओवरऑल 10 टाइम कैंडिडेट्स आपके पास किए गए हैं वैकेंसी के, तो ऐसे में हर एक कैंडिडेट को इतना जबरदस्त मेहनत करनी है कि आप में से जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वही फाइनली सिलेक्शन पा सकें। इसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा मुझे लगता है कि नहीं हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ। ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन जो स्टैटिक GK के आपके रहते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड, वो सारे मैं आपके डालता रहता हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इवन प्रीलिम्स में कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये कहा था कि नहीं हाँ सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जिन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प जो है वो करी थी, तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। बाकी इसके अलावा कोई भी अपडेट अगर रहेगी तो मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहूंगा, तो ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। ओके।